हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेटर्स ऑन। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो पैराबोला का आगे का पार्ट है, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में हमने देखा कि एलिप्स देखा है, पैराबोला का कंस्ट्रक्शन मेथड देखा है, जिसमें कि ऑबलॉन्ग मेथड देखे, ऑबलॉन्ग और रेक्टेंगल मेथड देखे, दूसरा हमने टेंजेंट मेथड देखा। अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं, एप्लीकेशन पे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि क्वेश्चन है, अ जेट स्प्रिंकलर इज इंस्टॉल ऑन द ग्राउंड। अब हमें थोड़ा सा इसे समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारा वर्डिंग में है, तो थोड़ा सा इसे ध्यान से पढ़िएगा। अ जेट स्प्रिंकलर इज इंस्टॉल्ड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक जेट स्प्रिंकलर है, उसको इंस्टॉल किया हुआ है। अ वाटर ड्रॉपलेट या वाटर ड्रॉप इजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मतलब कि आपका जो जो इजेक्ट बोल सकते हैं कि जो जेट स्प्रिंकलर है, इस तरीके से आपका इंस्टॉल्ड है ग्राउंड पे, ठीक है, इस तरीके से आपका इंस्टॉल्ड है ग्राउंड पे, और यहाँ से आपका एक वाटर ड्रॉपलेट जो है वो 45 डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री मतलब यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा वो आपका होगा 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री एंगल से आपका क्या हो रहा है, ग्राउंड से निकल रहा है, ठीक है। एंड इट रीचेज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 7.5 मीटर, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका 7.5 मीटर रीच कर रहे हैं, यानी कि जो आपका जो वाटर ड्रॉप है वो जब गिरता है नीचे जमीन पे, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है वो आपका 7.5 मीटर है, ठीक है। फ्रॉम इट्स ओरिजिन ट्रेस द पाथ ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। तो हमें जो ये वाटर ड्रॉपलेट है इसका पाथ ट्रेस करना है, ठीक है। अच्छा, कहीं पे भी क्वेश्चन में लिखा है कि इट्स अ पैराबोला, ठीक है, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ये पैराबोला है। तो कई बार क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा भी रहेगा नेम द कर्व, तो आपको लास्ट में एक आंसर भी लिखना पड़ता है, द कर्व इज पैराबोला। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको कई बार क्वेश्चन इस तरीके से देता है जिसमें आपको क्लियर कट नहीं रहता है कि कौन सा कर्व बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि आपका कर्व कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो देखिए कि हमारे पास 7.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब 7.5 मीटर का तो हमारे पास स्केल होगा नहीं, मीटर में तो स्केल है नहीं, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा रेशियो में चेंज करना पड़ेगा। स्केल हम लोग एक फैक्टर स्केल फैक्टर लेंगे, जिसमें कि हम लोग 1 मीटर इज इक्वल टू 20 mm हमने एज्यूम किया है। तो 7.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 × 7.5, तो ये हो जाएगा आपका 150 mm, ठीक है। तो यानी कि हम लोग 7.5 मीटर जो है उसको हम लोग 150 mm से शो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 150 mm का होगा। एक्चुअल में ये ही आपका 7.5 मीटर है जो कि हमारे ड्रॉइंग शीट में हमको 150 mm से शो कर रहे हैं। अब हमको क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ से आपका मान लीजिए कि ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन पार्ट है, और यहाँ से हमारा क्या है वाटर का जो बोल सकते हैं एक तरह से कि आपका जो ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से आपका वाटर निकल रहा है, और ये वो एंड पॉइंट है जहां पे वाटर जाके जमीन को टच कर रहा है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका 7.5 मीटर है, बट हम जो रेशियो लिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका 150 mm हो गया, ठीक है। तो यहां से हम लोग 45 डिग्री एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छा, अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि जिस एंगल से, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर करिएगा कि जिस एंगल से आपका पानी स्टार्ट होता है, अदर एंड पे भी सेम एंगल में ही गिरेगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, कभी किसी बॉल को फेंक के देखिएगा, अगर आप बॉल को सीधा आप स्ट्रेट उछालेंगे तो स्ट्रेट आपका नीचे गिरता है, और जिस एंगल में उछालेंगे उस एंगल में सेकेंड दूसरी तरफ गिरता है। तो यानी कि 45 डिग्री अगर यहाँ पे है तो ऑब्वियस सी बात है 45 डिग्री यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ से 45 डिग्री बना देंगे, और इसके बाद इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये ट्राइंगल बन गया है, तो हमें एक आइडिया हो गया कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका ऑबलोंग मेथड से तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें हाइट की बात तो की नहीं है। तो हमें ऑब्वियस सी बात है ये ट्राइंगल दिख रहा है, और ट्राइंगल वाला जो मेथड है वो हम लोग टेंजेंट मेथड में ही फॉलो होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपका इवन पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से। तो हमारा देखिए 1, 2, 3, 4, चार पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। नेमिंग कर लेंगे हम लोग, नेमिंग करने के बाद फिर हम लोग अपोजिट नेमिंग, मतलब 3 के सामने 1, 2 के सामने 2, 1 के सामने 3, ठीक है, मतलब अपोजिट नेमिंग करेंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, रोलर स्केल को सेट कीजिएगा आप, इसके जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसके पैरेलल मूव करेंगे, तो जब 1 आएगा तो यहाँ पे
एक पॉइंट लगाएंगे, टू आएगा तो यहाँ पे पॉइंट लगाइएगा और थ्री आएगा तो यहाँ पे पॉइंट लगाइएगा, और वन टू थ्री ऐसे में। फिर वन को वन से मैच करेंगे, टू को टू से मैच करेंगे, थ्री को थ्री से मैच कर देंगे। तीनों मैच करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है, मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, हमारे पास जैसे कि नाम है टेंजेंट मैथड, तो हमारे पास ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है। इन तीनों लाइन को टच करते हुए, इसको टच करते हुए हमारा जो कर्व बनेगा वो हमारा होगा पैराबोला, जो रिक्वायर्ड पैराबोला कर्व चाहिए, जो आप बोल सकते हैं रिक्वायर्ड पाथ ऑफ वाटर ड्रॉपलेट है। ठीक है, तो इसको टच करते हुए निकलेगा इस तरीके से, ये टच करते हुए इस तरीके से निकल रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पॉइंट नहीं मिलता, हमें क्या मिलता है टेंजेंट मिलता है। ठीक है, तो इसलिए टेंजेंट मेथड है ये, उसका डायमेंशन हम लोग शो करेंगे। ठीक है, जो भी आपका डायमेंशन है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डायमेंशन शो करेंगे। ठीक है, 150 mm आपका जो क्वेश्चन में आपका दिया था 7.5 मीटर, लेकिन हमने क्या है इसको स्केल यहाँ पे दिखाया है, शो किया है। तो याद रखिए आपको क्वेश्चन में यहाँ पे स्केल को जो है सॉल्यूशन में यहाँ पे शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व होता है। एप्लीकेशन क्वेश्चन था, मेन चीज है कि क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा, आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। देखिए जो भी कर्व के क्वेश्चन हैं, कई बार क्वेश्चन वर्डिंग्स में आते हैं, वर्डिंग्स में मतलब आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाता है जिसमें आपको ये समझना पड़ता है कि कौन सा कर्व है। तो उसके लिए आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि कर्व की डेफिनेशन क्या है, कर्व का आपका जो बेसिक्स है वो क्या है, कर्व के जो आपके क्वेश्चन में मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन वो कैसे होते हैं, तो ये सारी चीज़ आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आप पढ़े और आपको क्लियर हो गया कि आपका पैराबोला क्या होता है, लिप्स क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, ऐसे नहीं होगा। तो आप जो भी हमारा वीडियो है आप प्लीज़ स्टार्टिंग से देखिए, सारे देखिए। अगर कोई हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम ये देख रहा है तो प्लीज़ हम मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे वीडियोज़ को देखें, और कोशिश करें कि मतलब सारे वीडियोज़ को देखने के बाद ही देखें। तो इससे क्या होगा कि उनको जो भी अगर कहीं इसमें डाउट आ रहा होगा तो वो डाउट उनका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो हमारा, नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस टिल द एंड, सब्सक्राइब आवर चैनल और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करें, कोई बात नहीं है। जो भी आपके रेस्पॉन्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हमको एक हेल्प मिलता है, एक हम लोग को आइडिया मिलता है। और मैं अपने लिंक में डिस्क्रिप्शन में कई सारे जो वीडियोस हैं उसके लिंक दूंगा, जो मेरे वीडियोस हैं आप जाके उसको भी देखें, या तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल पे जाके जितने भी वीडियोस हैं उसको देखें, कई सारे सब्जेक्ट्स पे बने हुए हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।